So here we are. ये जो सड़क आप देखें, सभी फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं लोग यहाँ पे, हाथों में बैनर्स हैं, बच्चे बड़े बूढ़े फैमिलीज के साथ लोग निकले हैं। और आज हिस्टोरिक दिन, खासकर कमला हैरिस जो कि पहली ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगी, ये हाल सेंट्रल वॉशिंगटन का। और दूर अगर आप देख पाए, ये सड़क का जहां पे एंड होती है उसके आगे एक पार्क है और उसके आगे व्हाइट हाउस है। उसे उस जगह को सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आप देख पाए, दूर व्हाइट हाउस है, उसके बस नज़दीक में एक पार्क है जिसे सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिया गया है, नहीं तो वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनका आना जाना लगा रहता था, लेकिन वो जगह उसे बंद कर दिया गया है। और ये जगह है ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा। मैं हूँ विनीत खरे, वॉशिंगटन DC के सड़कों से। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले खबर आई कि जो बाइडन, अब प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन हो गए हैं। और पेंसिल्वेनिया में जो एक बैटल चल रही थी, हार्ड फॉर बैटल, उसमें उन्हें बताया गया है कि वो जो जीत जाएंगे, तो यानी जो 270 का जो फिगर था वो क्रॉस करके 253 से, कि 20 वोट थे पेंसिल्वेनिया से, तो अब क्रॉस करके 273 को पहुंच जाएंगे। तो अब जो बाइडन हो गए हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन। और इस वक्त हम मैं कैमरा अगर आपको दिखाऊं वॉशिंगटन DC की सड़कों पर, देखिए क्या हाल है, हजारों की तादाद में, नंबर्स में लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं। टीवी के, मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, सब पूरी सिचुएशन को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, सभी के मोबाइल यहाँ पर ऑन हैं, सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह लाइव जा रहा है, जितने भी सोशल मीडिया हैं, क्योंकि 3-4 दिन से था कौन जीतेगा, लेकिन फाइनली पेंसिल्वेनिया जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन को विनर डिक्लेयर किया गया है। और ये देखिए आप नजारा, मेरे बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप बस सड़कों का नजारा देखें। ये जो सड़क है, ये ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा, आप देख पाएंगे दूर जो बड़ी सी गुंबद जैसी चीज है, ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है, और ये ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा है जहां पर प्रोटेस्ट होते रहे हैं पिछले कई महीनों में। हमने देखा है जो ब्लैक लाइव्स को मैटर को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेस्टिनेशन रहा है जिसके बाद इसका नाम ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा रखा गया। और आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले हैं। ये जो इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं, आप इन्हें देखें, हिस्टोरिक सीन यहाँ पर। लोगों के हाथों में झंडे हैं, बैनर्स हैं, सॉरी आई नो, सदर ट्रंप ने कंसीड अभी तक नहीं किया है, कंसेशन के कोई आसार भी नहीं लग रहे हैं। और उनके अगर ट्विटर टाइमलाइन देखें या फिर उनके जो स्टेटमेंट देखें, तो ऐसा लग रहा है कि वो, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ही हैज डग हिज हील्स इन, लड़ाई के फेवर में है ऐसा लग रहा है। लेकिन अब जबकि जो बाइडन 272 के इलेक्टोरल जो कॉलेज वोट हैं उससे आगे निकल, 270 के इलेक्टोरल कॉलेज वोट से आगे निकल गए, तो देखना होगा क्या रिएक्शन होगा। ये मेट्रो स्टेशन है फैरगेट, और यहाँ पर देखें हम आपको फिर बता दें, हम इस वक्त वॉशिंगटन DC में हैं जहां पर थोड़ी देर पहले जो बाइडन पेंसिल्वेनिया में जो प्रोजेक्शंस आए हैं उन्हें विनर डिक्लेयर किया गया है कि वो जीत जाएंगे। तो उनका जो
वोट काउंट है या फिर कहें इलेक्टोरल वोट काउंट है वो 253 से बढ़कर 273 तक पहुंच जाएगा और 270 आपको चाहिए क्रॉस करना होता है अगर आप प्रेसिडेंट इलेक्ट बनना चाहते हैं। और जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं ये लोग अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे हैं। दूर दूर तक गाड़ियां और ये देखें जो बाइडन का कटआउट अलग अलग तरीके से लोग अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। ये सेंट्रल वॉशिंगटन डीसी है और कल तक मैं यहां पर तो था तो ये सड़कें पूरी खाली पड़ी हुई थी, ऐसा लगी नहीं रहा था कि इतना बड़ा बैटल चल रहा है इलेक्टोरल बैटल। लेकिन आज देखें जैसे ही क्लियर क्लैरिटी आई है कि जो बाइडन पेंसिल्वेनिया में जो प्रोजेक्शंस हैं उन्हें बताया गया है कि वो जीत गए। और एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जो बाइडन जो मैंने लास्ट चेक किया था उनके उन्हें जो उन्होंने जो ट्विटर पर मैसेजेस डाले हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका आई एम ऑनर्ड दैट यू हैव चोजन मी टू लीड अ ग्रेट कंट्री, मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे चुना है और द वर्क अहेड ऑफ अस विल बी हार्ड, आगे आने वाला जो वक्त होगा बहुत मुश्किल होगा, बट आई प्रॉमिस यू दिस आई विल बी द प्रेसिडेंट फॉर ऑल अमेरिकन्स, मैं सभी अमेरिकी जो लोग हैं उनके उनका प्रेसिडेंट रहूंगा वेदर यू वोटेड फॉर मी, चाहे आपने मुझे वोट किया हो या फिर ना किया हो। चैलेंजेस हैं आगे बहुत सारे, जिस तरह इकॉनमी का हाल है यहाँ पर, अमेरिका की इकॉनमी का हाल है, लोग परेशान हैं, उनकी जिंदगियों पर जिस तरह से वायरस का असर पड़ा है और इलेक्शन पर भी पड़ा है, 230,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मैं आपको लेके चल रहा हूं थोड़ा नजदीक तक जाऊंगा, एक बार फिर कोशिश करूंगा मैं आपको फाइनल शॉट दिखा पाऊं ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा का, जहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। सो हियर वी आर, ये जो सड़क आप देखें सभी फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं लोग, यहाँ पे हाथों में बैनर्स हैं, बच्चे बड़े बूढ़े फैमिलीज के साथ लोग निकले हैं। और आज हिस्टोरिक दिन, खासकर कमला हैरिस जो कि पहली ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगी, ये हाल सेंट्रल वॉशिंगटन का। और दूर अगर आप देख पाए ये सड़क का जहां पे एंड होती है उसके आगे एक पार्क है और उसके आगे व्हाइट हाउस है, उसे उस जगह को सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आप देख पाए दूर व्हाइट हाउस है, उसके बस नज़दीक में एक पार्क है जिसे सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिया गया है, नहीं तो वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनका आना जाना लगा रहता था, लेकिन वो जगह उसे बंद कर दिया गया है। और ये जगह है ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा। मुझे विनीत खरे को दीजिए इजाज़त कोई और
जैसे ही और कोई डेवलपमेंट होगी होपफुली हम आपसे एक बार बीबीसी उर्दू के इस फेसबुक पेज पर फिर जुड़ेंगे।